मिटावण दीआं कोशिशां कीतीआं। गोया मेरे रब्बे ज़ुल जलाल ने दसणिआ ओ लोगो मेरा कुरान कलम ते स्याही ते दुआ दा मोहताज नहीं, मेरा कुरान परिश्ते वर्गिआं दा मोहताज नहीं, मेरा कुरान कागज़ां दा मोहताज नहीं। असीं जदों लिखण ते आने आ असीं कुछ नसीबां दे दिलां ते लिख दिंदे आ। दोस्तां ने अजी अंदाजा फरमाओ पहलियां आसमानी किताबां छोटियां सन लेकिन उन्हां दा हाफिज पूरी कायनात च कोई नहीं। मैं दावे नाल कहना तफसीरां उठा के वेखो, तहरीरां उठा के वेखो, तकरीरां उठा के वेखो, पहलियां आसमानी किताबां छोटियां ने पर उन्हां दा हाफिज पूरी कायनात च कोई नजर नहीं आएगा। तौरात दा हाफिज कोई नहीं, इंजील दा हाफिज कोई नहीं, ज़बूर दा हाफिज कोई नहीं, पहली नबियां ते उतरन वाले आसमानी सहाफ़ियां दा साहिब दा हाफिज कोई नहीं। किताबा छोटिया ने पर उन्हां दा हाफिज कोई नहीं। कुरान पूरे तीन पारियां दा है, करोड़ां दी तादाद च हाफिज नजर आणगे। दोस्तां जी मैं दावे नाल कहना किसे शहर चले जाओ बिहमदिल्लाह ताला तहदी से नेमत दे तौर ते कहना कारी गुलाम साबिर साहब बैठे ने, इन्हां दा फैज वेख लो शहर दे अंदर दाएं बाएं दे इलाकां दे अंदर सैकड़ों ऐसे कुछ नसीब नौजवान जिन्हां नूं इन्हां ने अल्लाह दा कुरान पढ़ा छड्डिया है। जदों ये इक हाफिज कुरान कुरान दा ताल्लुक किताबां दे नाल नहीं, कुरान दा ताल्लुक सिर्फ लफ्ज़ां दे नाल नहीं, कुरान दा ताल्लुक सिर्फ तहरीरां दे नाल नहीं, बल्कि कुरान दा ताल्लुक दे मेरे मुस्तफा दे कलबे अतहर दे नाल। क्योंकि अल्लाह को दिलाल करदा है फइन्नहू सच्चा ऐलान करदा है कमली वालिया कुरान सा तेरे दिल ते नाज़िल फरमाया। दोस्तान अली जेड़ा किताब जेड़ा कुरान दिल ते लिखिया जाए उन्हों फिर कौन मिटा सकदा है। मैं दावे नाल कहना कुरान कदे क़यामत तक खत्म नहीं होवेगा। वजह की है पहलियां आसमानी किताबां दी हिफाजत अल्लाह पाक ने उन्हां उम्मतां दे ज़िम्मे लगाई। तौरात दी हिफाज़त बनी इसराइल दे ज़िम्मे, इंजील दी हिफाज़त बनी इसराइल दे ज़िम्मे, ज़बूर दी हिफाज़त बनी इसराइल दे लोगां दे ज़िम्मे। अज वेख लो पूरी कायनात दे अंदर आसमानी किताबां दा नाम ते नज़र आएगा लेकिन बयान नज़र नहीं आएगा। उन्होंने मफहूम बदले, अल्फाज बदले, तहरीरां बदलियां, तहरीफां कीतियां, बड़ा रद्दो बदल कर छड़िया, मगर अल्लाह दा कुरान पढ़ के वेख लो अज कमो बेश 1450 साल गुजर गए ने। कुरान दे हरफ ते बड़ी दूर दी बात है यार, ज़बर ज़ेर दे अंदर भी फर्क नहीं आया। कुरान दी ना ज़बर बदली, ना ज़ेर बदली, ना पेश बदली, कुरान किवें बदल सकदा है। मैं दावे नाल कहना एक बड़ा करी बड़ा सोहना ते बड़ा हसीन नुक्ता देण लगियां। ओह पहलियां आसमानी किताबां बदल गईयां पर कुरान नहीं बदलिया। वजह ही भी है कि उन्हां किताबां नूं हुसैन जिहा कारी कोई नहीं मिलिया। पहलियां आसमानां कोल हुसैन जिहा कारी कोई नहीं। अरे सर कटा कर भी तिलावत वो किया करते हैं, अरे जिनको कुरान मेरे आका हिफाजत अल्लाह पाक ने उन्हां दे उन्हां उम्मतां दे ज़िम्मे लगाई। मगर जदों कुरान दी वारी आई रब्बे ज़ुलजलाल ने फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। असीं आप कुरान नाज़िल फरमाया, असीं आप ही इहदी हिफाजत करन वाले आ। जिहदी हिफाज़त अल्लाह करन वाला होवे उहदे अंदर कदी फर्क नहीं आ सकदा। बदले का ज़माना लाख मगर बदलेगा ज़माना, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौल नबी कौल खुदा, है कौल नबी कौल खुदा, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। आइए सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने गुलामों में इब्तिदा के अंदर बयान किया अल्लाह ने
इन चीजा की हिफाजत का जिम्मा अपनी जात ते जिम्मे लिया है। फरमाया सी सलाम भी मुकम्मल करांगे चाहे सारी कायनात एक पासे हो जाए, असी कुरान की हिफाजत भी अपने जिम्मे लईए। कयामत तक कोई जबर जेर हरफ के अंदर फर्क नहीं आ सकता। ते तीसरी बात के मुतल्लक अल्लाह फरमांदा है हिफाजत फरिश्तियां दे जिम्मे करा दी। फरिश्तियां तू अपने अंबिया की हिफाजत करवाई। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम आप दी हिफाजत फरिश्तियां ने फरमाया जदों कुएं दे अंदर गए जिब्राईल अलैहि सलाम उतरे, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहि सलाम के गले में छुरी चलन लगी, उन्हों की हिफाजत भी अल्लाह ने फरिश्तियां दे जिम्मे लगाई। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम जो अग के हवाले होने लगे, उन्हों की हिफाजत भी अल्लाह ने फरिश्तियां दे जिम्मे करा दी। लेकिन जदों हुजूर की वारी आई फरमाया महबूब भी साडा है, हिफाजत भी असीं अपने जिम्मे लई है। महबूब भी साडा है, हिफाजत भी साडे जिम्मे। बोलिए सुभान अल्लाह।